दिल्ली में बीजेपी पोल खोल अभियान चला रही है। इसके तहत दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता दिल्ली के रानी बाग इलाके पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर आदेश गुप्ता ने जनसंपर्क किया। आदेश गुप्ता ने घर घर जाकर लोगों को दिल्ली सरकार की कमियां बताई। इस दौरान जनतंत्र टीवी से बात करते हुए आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पोल खोल अभियान चला रही है और केजरीवाल ने जो वायदे किए थे और उन वायदों पे 10% काम नहीं किया। हम जनजागरण कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि नए स्कूल नहीं बनाए गए, 57,000 करोड़ का जल बोर्ड पर उन्होंने घोटाला किया है, नई बसें नहीं आई, ना ही नए अस्पताल बने, कोई भी काम नहीं किया, बल्कि दिल्ली को रोहिंगा और बांग्लादेशियों की राजधानी बनाने का काम कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भले ही चुनाव टाल दिए गए हों, लेकिन राजनीति अपने चरम पर है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा ने पोल खोल अभियान शुरू कर दिया है और जगह जगह जाकर के जनसंपर्क साधने का काम कर रहे हैं। इसी वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, जो रानीबाग पहुंचे हैं जनसंपर्क साधकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान का काम कर रहे हैं। सर, क्या अभियान है और किस तरीके से लोगों तक संदेश पहुँचा रहे हैं? दिल्ली सरकार के तमाम झूठे वादों की पोल खोलने का ये अभियान है। जिस तरह केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों को कहा 12 लाख नई नौकरियां देंगे, लेकिन जब आरटीआई का जवाब मंगाए तो 440 नौकरियां ही दे पाए। 20 नए अस्पताल खोलने का वादा करने वाले, एक भी नया अस्पताल केजरीवाल नहीं खोल पाए। 500 नए स्कूल खोलने का वादा करने वाले, एक भी नया स्कूल नहीं खोले, बल्कि कई स्कूल बंद कर दिए। डीटीसी बस हो, यमुना सफाई हो, पानी हो, हर मुद्दे पर केजरीवाल सरकार फेल हुई है, झूठे वादे किए हैं, जनता को ठगने का काम किया है। और इस अभियान के लिए हम लोग उनकी पोल खोलने का अभियान दिल्ली के 25 लाख घरों में पहुंच रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लोगों के घर पहुंचकर जनसंपर्क अभियान साध रहे हैं। जो केजरीवाल सरकार के खिलाफ जो नाकामियां हैं, उनकी जो उपलब्धियां जो नहीं कर पाए, वो जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि भाजपा द्वारा शुरू की गई ये मुहिम आगे किस नए राजनीतिक मोड़ तक पहुँचती है। जनतंत्र टीवी, अजीत कुमार, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।